just an event which has happened there is nothing too big in that don't make too big noise on anyone's death or anyone's birth because it is meaningless it's just a change जिसने जन्म दिया जिस शक्ति से जन्म हुआ उसी शक्ति का बदला हुआ रूप होता है जब मरण होता है तो शक्ति ना बुरी है ना अच्छी बिजली से तुम रेफ्रिजरेटर माइक्रोवेव अवन ये सब चलाते हो और इसी बिजली से अमेरिका जैसे देश में एक एग्जीक्यूशन चेयर है वहां फांसी नहीं देते वहां इस कुर्सी में बैठाते हैं पैर बांध देते हैं क्लच होता है हाथ पे, पे पैर क्लच, और सिर पर ए एक वो खांचा होता है, एक स्कल कैप किस्म की होती है जो इट इज ऑल वायर्ड इसमें सब तारे गई हैं, और ये तारें एक बटन के साथ जुड़ी हैं वो एक बिजली का बटन दबाते हैं जिस बिजली का उपयोग करके खाना पकाया केक बनाया ब्रेड खाई चीजें गर्म करी ठंडी रखी जिस बिजली से एसी चलाए हीटर चलाए कितनी उपयोगी बिजली है वही बिजली का इस्तेमाल किसी मुजरिम को मारने के लिए भी करते हैं तो बिजली बुरी की अच्छी सोच के देखिए ये कुर्सी हिंदुस्तान में लग जाए तो काफी लोग जो हैं वो एग्जीक्यूट होने से बच जाएंगे क्योंकि अभी वो सब तैयारी करी बटन लगे दबाने बिजली चली गई तो इस मुजरिम का वकील केस कर सकता है देखिए जी बटन दबाया एक, फांसी एक बार होती दो बार नहीं होती बटन एक बार दबता है, दो बार नहीं दबता एक बार दबा कुछ नहीं हुआ अब बात खत्म हो गई ऐसा रिस्क अमेरिका में नहीं है बिजली तो की उपयोगिता है जो बिजली जन्म दे सकती है जन्म देने का मतलब जिस अस्पताल में जन्म हो रहा है रोशनी है जिस इक्विपमेंट को इस्तेमाल करते हैं वो भी बिजली से चलता है अगर बच्चा फ्री में चोर हो जाए तो एक कैस्केट होती है जिसमें बच्चे को रखा जाता है तापमान सही रखने के लिए वो भी बिजली से चलता तो बिजली के बड़े फायदे हैं पाल रही है बिजली पर यही बिजली संघार करता भी तो बिजली अच्छी बुरी नहीं है ऐसे ही जन्म और मरण बुरा और अच्छा नहीं है सृष्टि का बनना और मिटना ना अच्छा है ना बुरा है इसके अंदर जो अविनाशी सत्य है बस उसको देखिए और बाकी तो ड्रामा है ड्रामा चल रहा है यस्मा तरमती तो हम क्षरा दबी अतोस्मी लोक वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ माया में स्थित हूँ अविनाशी जीवात्मा से उत्तम हूं इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं भाई जो पिता होते हैं उन्हें हम पिता नहीं कहते पिता जी बोलते ऐसे ही जीव जिस ईश्वर का अंश है उस ईश्वर को हम पुरुषोत्तम बोलते हैं पुरुष अंशी आ, आ, जो अंश है और अंशी हुआ पुरुषोत्तम जिसका ये अंश है बोले जीव में भी मैं भूतों में भी मैं सर्व में मैं इस कारण ही मेरे को पुरुषोत्तम बोलते पुरुषों में जो उत्तम है अब कईयों ने ये समझ लिया कि कृष्ण ये कह रहे हैं कि मैं कृष्ण पुरुषों में उत्तम हूं अच्छा अगर कृष्ण पुरुषों में उत्तम है तो राम उत्तम नहीं है क्या वो पुरुष नहीं है huh? क्या शिव पुरुष नहीं है वो उत्तम नहीं है बुद्ध पुरुष नहीं है क्या वो उत्तम नहीं है तो यहाँ कृष्ण किस पुरुष की बात कर रहे हैं वो मानवीय देह की बात नहीं कर रहे हैं वो अपने परम स्वरूप की बात कर रहे हैं बोले मुझ परम स्वरूप को पुरुषोत्तम नाम से भी जाना जाता है मैं तो उत्तम हूं और वो सच भी है और वैसे देखा जाए जो उत्तम कृष्ण है तो निकृष्ट कौन है वो भी वही है क्योंकि वो व्यापक है और जो व्यापक है उसमें उत्तम नीच ऐसा कोई द्वंद्व होता नहीं है क्योंकि बात दो पुरुषों की हो रही है कि इस सृष्टि में दो ही पुरुष है एक अविनाशी ब्रह्म और एक जो मरने वाला है तो अब दोनों में मैं कौन सा हूं मैं हूं अविनाशी यो समूढ़ो जाना पुरुषोत्तम स सर्वविध भवजती माम सर्वभावेन भारत हे भारत इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम तुम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मेरा ही भजन करता है देखो तुम कुछ खाने जाओ तो तुम हल्की चीज कहोगे मैं क्यों खाऊं और अगर कोई और बिल अदा कर रहा हो तब तो बिल्कुल हल्की नहीं खाओ अगर कोई और पैसा दे तुम्हारे खाने का तब तो और भी महंगी चीज ऑर्डर करेगा और अगर अपने आप ऑर्डर करना है तो फिर देखता है सबसे सस्ती इस मेन्यू कार्ड में क्या चीज है वो ले लेता है पर इच्छा तो यही होती ना श्रेष्ठ मुझको मिले तो जो बीएमडब्ल्यू कार नहीं खरीद सकते हैं वो बीएमडब्ल्यू की छोटी मॉडल कार घर में रख के बड़ी खुशी ले लेते और कभी कभी थोड़े से पैसे जोड़ के किराए में ले लेते हैं बी एमडब्ल्यू का तो उनको बड़ा अच्छा लगता है भैया ये किसी को क्या पता मेरी नहीं है किसी को पता लगेगा भी कैसे जो मैं बताऊं नहीं तो कि ये मेरी नहीं है तो दूसरे की चीज़ को अपनी बताने में शर्म नहीं आती है अच्छी हो तो जैसे तैसे उस अच्छी चीज़ से भी रिश्ता ही बना लेता है जैसे सरला ने अपनी सहेलियों से ही कह रखा था वो बोले तुम्हारे घर में फ्रिज है बोले है तुम्हारे घर में सोफा है है टेलीफोन बोले है रंगीन टेलीविजन बोले है अच्छा बड़ी अच्छी बात भी तुम्हारे पापा तो बड़े अमीर हैं बोले हाँ अच्छा तुम्हारे घर में कार है बोले है एक दिन सरला की सहेली विमला इसके घर में ऐसे ही अचानक से आ गई क्योंकि उसके घर में ये सब चीजें नहीं थी तो लगा चलो इसके घर में है तो कुछ देर हम भी मजा कर लेंगे पर जब उसके घर पहुंची तो ना टेलीविजन दिखा ना कार दिखा ना फ्रिज दिखा कुछ भी नहीं तुम्हें तो झूठ तो बोला हमसे बोला नहीं झूठ नहीं बोला चला तो वो अपने पड़ोसी के घर में ले गई वहां सब कुछ था विमला कहती भाई ये तो ये तो तुम्हारे पड़ोसियों के घर में कहती आप समझो ना मेरे घर में छोटे भाई बहन है वो चीजें खराब कर देंगे इसलिए हमने ना अपनी इस भाभी के घर में सब कुछ रखा हुआ है तो पड़ोसी के घर में रखे सामान को अपना दिखा रहा है तो एक तरह से सिर्फ इस इच्छा का प्रदर्शन हो रहा है कि श्रेष्ठ वस्तुओं की चाह मानव मन को होती है श्री भगवान कह रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ तो मैं ही हूं तो मुझी को स्मरण कर ना फिर मेरी माया मुझसे श्रेष्ठ नहीं है मैं ही श्रेष्ठ हूं तो मेरी माया को याद क्यों करते हो मुझे याद करो प्रकृति के बने सब समान टूटने फूटने वाले हैं इनको याद मत करो इनसे मत मन को मत मिलाओ मन मिलाना ही है तो उससे मिलाओ जो अविनाशी है इति शास्त्र मुक्त मया नगह ए तुद्धा बुद्धिमान सै कृत्य भारत निष्पाप ऐसे यह अति रहस्य युक्त तो गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा ये कहा गया है इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है वैसे देखा जाए तो जो बात बोल दी वो रहस्य तो रही नहीं तो फिर श्री कृष्ण ये क्यों कह रहे हैं कि मैंने अपना सबसे बड़ा रहस्य इसमें बता दिया है मैंने बोल भी दिया है समझा भी दिया है लेकिन आखिरी सूत्र में यहां एक और देना चाहती हूँ भले मैंने सारा समझा दिया है लेकिन अभी भी इस पंद्रहवें अध्याय में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसको अभी मैंने उद्घाटित नहीं किया है क्योंकि वो सिर्फ योग्य और उत्तम साधक को ही कहूंगी रहस्य अभी भी है इसमें और बहुत गहरा भी है बहुत गहरा भी है और श्री कृष्ण के द्वारा इस रहस्य को जो मनुष्य बुद्ध जो बुद्धि से जानेगा वो कृत्य कृत्य हो जाएगा कृत्य कृत्य माने धन्य धन्य हो जाएगा खुश खुश हो जाएगा ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत् हरि तत्स्रीकृष्ण गो ॐ श्री परमात्मने नमः अथ षोडशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानम दमाश्च यज्ञ स्वाध्याय आर्जव भगवान कहते हैं कि जिस देवी संपदा को प्राप्त करके मनुष्य मनुष्य है और जिस आसुरी संपदा की वजह से मनुष्य मनुष्य न होकर असुर हो जाता है अब उन लक्षणों को मुझसे सुन पंद्रहवें अध्याय में बात यहाँ आके खत्म हो रही थी कि ज्ञानी के क्या लक्षण हैं अतीत के लक्षण क्या है उसके पहले स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए थे ऐसे ही ध्यान योग में स्थित के लक्षण क्या है वो बताए थे ऐसे ही निष्काम कर्म योगी के लक्षण क्या वो भी बताए थे और दूसरे अध्याय में तत्व ज्ञान का जो निश्चय है उस ज्ञान के लक्षण क्या होते हैं देखिए अच्छी अच्छी बातें तो बहुत सी हो गई पर इस जगत में इस श्रेष्ठ तल को पहुँचे हुए मनुष्यों के अलावा भी तो बहुत से मनुष्य रहते हैं आसुरी संपदा वाले संपदा माने ट्रेजर संपदा माने द थिंग्स विच मेक यू रिच वेल इफ यू हैव बैड थिंग्स देन यू गेट रिच बैडली जिसके बढ़ने से आपके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़े तो एक तरह से देखा जाए यह भी तो एक पावर है यह भी तो एक अपने आप में दूसरों से तुम्हें अलग कर देता है दैवी संपदा और आसुरी संपदा आसुरी का अर्थ है डिमानिक राक्षसी और दैवी संपदा का अर्थ है दिव्य सात्विकी सतुगुणी सर्वप्रथम वो दैवी संपदा की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यही शोभा भी देता है और वो कहते हैं सबसे पहला गुण है अभयम भय रहित होना और रही होना कोई छोटी बात नहीं आप देखिए मनुष्य कैसे कैसे भय के साथ जीता कैसे कैसे भय ऐसे भय हैं जिनके बारे में उसे पता भी नहीं है और फिर कुछ ऐसे भय हैं जिसके बारे में वो जानता है पीड़ा से डरता है दुख से डरता है दुर्घटना से डरता है मृत्यु से डरता है रोग से डरता है बुढ़ापे से डरता है ये तो है मोटे तौर पे डर जो समस्त मनुष्यों के अंदर होते हैं और दीज आर ऑल वेरी इंस्टिंक्टिव You don't do anything to get this. You have it. They are there. पर भक्त में ये नहीं होते भक्त बोले देवी संपदा में पहली देवी संपदा क्या है पहला जो एलिमेंट है देवी संपदा का वो है अभयम देवी संपदा वाले को किसी से भय नहीं ना मोटे स्थूल भय और फिर सूक्ष्म भय आ जाते इन्हीं के अंतर्गत जैसे किसी को छिपकली से भय है किसी को सांप से कोई जाला देख के भी घबरा जाते हैं कोई किसी रेंगने वाले को देख के डरते हैं किसी उड़ने वाले को देख के डरते हैं कोई भूत प्रेत की कल्पना करके डरते हैं और कोई ऊंचाइयों से डरते हैं जिन्हें हम साइकोलॉजिकल टर्म में फोबियाज कहते हैं फोबिया और मैनिया बहुत से लोग हैं वो ऊंचाई पर नहीं जा सकते ऊंचे जाने का ख्याल भी उनको बड़ी तकलीफ में ले आता है फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो समंदर की गहराई में नहीं जा सकते भय किसी को अंधेरे से भय है किसी को तंग जगह में जाने से भय है जगह में जाने से बह किसी को सुई से बह सुई देख ले इतने में सुई लगी नहीं मैंने इंजेक्शन अभी लगा नहीं है सिरिंज को दूर से देखते ही चीखने लग जाते तो विभिन्न प्रकार के भय मनुष्य के चित्त में हैं, पर देवी संपदा का प्रथम गुण यही है कि वो अभयम उसके अंदर भय नहीं होता सत्व संशुद्धि अंतकरण को हमेशा स्वच्छ रखता है अंतःकरण में कोई मैल आई नहीं कि उसने तुरंत उसको निकालने का उपाय कर लेना आ सकती है देखिए व्यवहार में आ सकती है यू आर नॉट अ स्टोन यू आर नॉट अ स्टोन एंड इवन स्टोन गेट्स डर्टी वस्त्र गंदा होता है देह गंदी होती है आप क्या करते हो दे गंदी हुई साबुन से हाथ मांझ लिए, शरीर पूरा गंदा हो गया पूरा नहा लिए। कहीं को शरीर की गंदगी भी नहीं दिखती लम्बे नाखून उसमें मैल फंसी है नहीं दिखती कितने कीटाणु उसके अंदर घर बना के बैठे नहीं दिखती और मेरी दृष्टि से जिन स्त्रियों ने रसोई बनानी है उनके नाखून बड़े नहीं होने चाहिए और ऐसे भी नाखून बड़े जो होते हैं ये राक्षसी के लक्षण है स्वरूप नख नख नाखून जिसके बड़े नाखून तो स्वरूप नखा कौन थी ये रावण की बहन थी कौन थी ये बोले राक्षसी थी तो फैशन के लिए लोग लंबे नाखून रखते नाखनों में जो मेल पश्ती वो नहीं दिखती पैर की बीवाइया फटी हैं, पैर में मैल लगी है सिर में जुए चलती हैं ये महापुरुष को कुछ दिखता ही नहीं और मेरी जानकारी में एक ऐसे महात्मा थे उनके सामने एक औरत गंदे कपड़ों में आके बैठ गई सत्संग का समय था और वही कोई दस दस बारह लोग कुल उनके सामने बैठते थे कुटिया थी तो वो बैठी भी सामने कपड़े उसके गंदे महात्मा बैठे नजर पड़ी बड़ा जोर से डांटा उसको कहते जा घर में कपड़े दो साफ उजले पहन के आना उनका तर्क यह था कि जिसको अपने कपड़ों की गंदगी नहीं दिख रही उसे मन की गंदगी कैसे दिखेगी कैसे दिखेगी अब एक थोड़ी व्यवहार की बात मैं कहना चाह रही हूं क्योंकि सम उसका वो इन द कॉन्टेक्स्ट आ रही है यहाँ आश्रम के जितने संचालन का कार्य देखते हैं वो हमें कई बार कहते हैं कहते आप इतना ऊंचा-ऊंचा ज्ञान सुनाते हो पर जहाँ जितने साधक आते हैं वो इतनी गंदगी छोड़ के जाते हैं कि हमारे हम काम करें या जो हमारे साथ जो काम करने वाले हैं वो कई दफ़े बड़ी परेशानी में आते हैं कि ये कैसे लोग आते हैं से पहले इनको सफाई रखनी सिखानी चाहिए तो पहले दो दिन शिविर का यही होना चाहिए कि सफाई कैसे रखते हैं जहां तुम रह रहे हो वहां तुम गंदगी करके बैठे हो जिसे बाहर की गंदगी नहीं दिख रही उसे मन की गंदगी तो बिल्कुल नहीं दिखेगी और मन की गंदगी सूक्ष्म है शरीर की गंदगी स्थूल है जिसे स्थूल नहीं दिखता है उसे सूक्ष्म कहाँ से दिखेगा जो बाहर साफ नहीं रख सका वो मन साफ कैसे करेगा हाला एक साइकोलॉजिकल बीमारी होती है सफाई रखने की बीमारी ये भी एक अति में चला जाए कोई दिन में सौ बार साबुन से हाथ मांझ रहा हो दिन में सौ बार अपने घर की डस्टिंग और क्लीनिंग और वॉशिंग कर रहा हो तो ये तो फिर मैनिया हो जाएगा लेकिन एक सीमा तलक शौच शुचिता सफाई रखना आवश्यक है देखिए जिस समय में साबुन नहीं थे हमारे पूर्वज राख से हाथ मांझते थे जैसे जैसे मॉडर्न जमाना आया साबुन आए तो राख से मांझने वालों को घिनता से देखा गया कि ये बेवकूफ लोग राख से हाथ मांझते राख से साफ कैसे हो सकते लेकिन आज यह बात क्लिनिकली साबित हो चुकी है लकड़ी या कोयले की राख जो है वो आपके साबुन से सौ दर्जे अच्छी आप जिस डिटर्जेंट से अपने बर्तन धोते हो उसके लेफ्ट ओवर डिटर्जेंट के जो रिमाइंडर अंदर रह जाते हैं वही साबुन वही डिटर्जेंट बर्तनों के माध्यम से जब तुम खाओगे तो तुम्हारे अंदर जाते रोग उत्पन्न करते इसके विपरीत अगर राख कुछ बर्तन में लगी रह जाए और वो राख तुम्हारे अंदर चली जाए तो कहीं से भी हानिकारक नहीं और वो भी अगर कहीं गाय के गोबर से बने उपलों की राख हो तो ये औषधि है औषधि है अभी हमारे हिंदुस्तान के लोग इस विषय पर जागे नहीं है अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए वो साबुन का उपयोग करने में बड़ा फख्र महसूस करते हैं लेकिन अजब बात यह है आज अमेरिका में यूरोप में ऐसी कॉस्मेटिक्स की चेन शुरू हो गई है जिसके प्रचार का और जिनकी यूएसपी ये है दे डोंट यूज एनी केमिकल दे डोंट डू एनी एनिमल टेस्ट एंड दे यूज ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। आज सबसे ज्यादा बिजनेस वो लोग कर रहे हैं तो थोड़ा हमें विचार देखिए बात गीता की कहाँ तो इतनी गहरी लेकिन जहां बात आई है ना शौच की तो उस संदर्भ में ये कहना आवश्यक लग रहा है अपनी देह की जिस स्थान में रहता है उस स्थान की साफ सफाई का ख्याल होना चाहिए और जिसे बाहर नहीं ख्याल उसे मन का ख्याल नहीं होगा और दैवी संपदा का दूसरा जो गुण है वो क्या है कि आप अंतःकरण को अच्छी तरह से स्वच्छ रखते हैं।